जयपुर में हॉरर किलिंग में अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ने वाले माँ बाप को भले ही अपने किए पर कोई पछतावा ना हो, लेकिन विधवा बेटी को अभी भी जान का खतरा है। मृतक अमित नायर की पत्नी ममता चौधरी का कहना है कि अमित और उसके घर वालों ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन पीहर वालों ने उसकी दुनिया उजाड़ दी है। पिछले 4-5 महीनों से माँ भगवानी ममता को फोन करती और गर्भवती होने पर उसका हालचाल पूछा करती थी। ऐसे में ममता चौधरी को लगा कि शायद नानी बनने की खुशी होने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और परिवार वाले मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिता जीवनराम, मां भगवानी और भाई मुकेश ने षड्यंत्र रचकर किराए के गुंडों से अमित की हत्या करवा दी। ममता की मांग है कि उसके माता पिता, भाई और अन्य जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो कोख में पल रही अमित के प्यार की निशानी को भी खतरा है। वह ममता ने सुरक्षा की भी मांग की है। देखो, अभी भी खतरा तो है ही, क्योंकि भाई की सज़ा का कुछ कंफर्म नहीं है कि वो कितनी सज़ा मिलेगी, उसको क्या मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्राइम सीन में था नहीं। इससे सबसे ज़्यादा खतरा तो मुझे उसी से ही है, क्योंकि मम्मी पापा को तो फिर भी फांसी की सज़ा मिल जाएगी। उसको लॉ अगर कहीं पे भी छोड़ देता है, एक बार को नेग्लेक्ट करता है उसको, तो सबसे ज़्यादा खतरा ही उसी से, क्योंकि उसी ने सबसे पहले ही सब कुछ करवाया है, जो अभी करवाया है, मेरे पति की हत्या वगैरह। तो मैं नहीं चाहती कि वो छूटे जेल से बाहर कभी आए, उसको भी सज़ा वही मिलनी चाहिए फांसी की। वे ममता चौधरी ने अपने पति के हत्यारे, माता पिता और भाई के लिए कानून से फांसी की मांग की है। इसलिए मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि वो छूटे जेल से बाहर कभी आए, उसको भी सज़ा वही मिलनी चाहिए फांसी की।